अमिताभ जी, बात आपकी सही है। जी जिस हिसाब से इन्होंने वक्तव्य दिया, जो प्रोफेसर साहब हैं, जिनको कि मैं बिना सींग और बिना पूंछ का बैल मैं बोलूंगा, भले ही वो कितनी डिग्रियां लिए हो, एकदम कटु शब्दों में ये आदमी बिना सींग के और बिना पूंछ का जो अनडवान यानी बैल नहीं, है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, पवन जी को याद होगा, साक्षात पशु पुच्छ पुच्छ विषाण ही ना, इस श्लोक भी है। जी जी इसकी शुरुआत कुछ साल पहले राहुल गांधी ने की थी, आज देखिए कांग्रेस ने की थी, आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत है कि राहुल गांधी काग भुसुंडी की तरह एक एक पग नाप रहे हैं, एक एक जमीन नाप रहे हैं और पश्चाताप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुंह से भगवान ना बुलवाए और प्रभु लालू यादव जी को अच्छी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। अपने टॉप लीडर की ये हालत देख रहे हैं, जब वो टॉप पे थे तो उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे वक्तव्य दिए, धर्म विरुद्ध जाके वक्तव्य दिए, और पिछले 4 सालों से 8 सालों से वो ऐसी कौन सी नारकी सजा है जो पृथ्वी पे स्वर्ग लोक में ना होती हो, जो उनको ना मिली हो, जी कैद उनको नसीब हुई, स्वास्थ्य उनका खराब हुआ, राजनीतिक पूरा पार्टी छिन्न भिन्न हुई, क्या हुआ सारी चीजें। हमारे कहने का मतलब, प्रभु श्री राम से जिसने वैर लिया, आधुनिक संदर्भ में अगर हम देखें, पहले की तो सब जानते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, जमीन पे आ गई है, पूरा भारत उनको घूमना पड़ रहा है और पश्चाताप के लिए हर भाषण में अब वो राम 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 बोल रहे हैं। ये हालत इनकी भी होने वाली है। ये जो प्रोफेसर साहब हैं, जो पशु भी समाना जी है, जो आप लोगों ने बोला, तो इंतजार करिए, प्रभु भी न्याय देता जी है। भारत के जनमानस के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया है, मानस के साथ, रामचरित मानस और प्रभु राम के साथ खिलवाड़ किया है, तो इनकी भी उम्र कोई ठीक बहुत बात जल्दी नहीं है। जी। और सठे साक्ष्यम समाचरेत भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मनीष दुष्टों के साथ आ रहे हैं दुष्टों से व्यवहार करना जी, चाहिए। ठीक बात मिश्रा जी।